देख रहे हो भाईजान, मेरा शक्तिशाली बेटा लौह पुरुष बनकर भारत का विनाश करने के लिए तैयार हो चुका है। हमें दुनिया पर राज करने के लिए रुद्र त्रिशूल चाहिए और वो ज्वालामुखी पत्थर। वो पत्थर तो उस महादेव राय के पास है, उससे वो पत्थर पाना नामुमकिन है। लेकिन क्यों? महादेव राय भारत के सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर है। उसे पाने का कोई रास्ता? एक ही रास्ता है, उस महादेव राय की एक 22 साल की बेटी है जो उसकी जिंदगी भी है। अगर हमें अपना मकसद पूरा करना है तो पत्थर के साथ उसे भी यहाँ लाना होगा। हैदराबाद में हमारे आतंकवादी फैले हुए हैं, किडनैप कर लो उसे। लड़की का नाम क्या है? ऐश्वर्या। कुछ ठीक है, कैरी ऑन। सुभाष राव, व्हाट इज दिस? अब क्या मुसीबत आ गई? बचपन से मैं यही जवाब देता आ रहा हूँ मैडम। ड्यूटी कर रहे हैं सुब्बा राव गायकोंडे, ड्यूटी पर रोज खाकर आता है 4 अंडे। तो यार मेरा भुर्जी पाव क्यों बना रहे हो? घर पर भी मैं ही अपनी पत्नी को बनाकर खिलाता हूँ। आप इस 5 स्टार में रहे या किसी ढाबे पर, वेयर एवर यू गोस आवर सिक्योरिटी फॉलोज। मुच्छट। सर, ये फोटो मेरा है, होम मिनिस्टर की बेटी का है। होम मिनिस्टर की बेटी को कौन सी गैंग किडनैप करना चाहती है? हाय डैड, आज आप फॉरेन जा रहे हैं क्या? ऑल द वेरी बेस्ट। कल के लिए मेरे सारे फ्रेंड्स प्लान बना रहे हैं जुहू बीच जाने के लिए। सोचिए कितना मजा आएगा। तुम नहीं जाओगी, ये अगले 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकलेगी। What? क्यों नहीं जा सकती? जिद मत करो, तुम स्विमिंग करने गई थी तब कुछ गुंडे तुम्हें फॉलो कर रहे थे। तुम्हारी जान को खतरा है बेटी, इसलिए कुछ दिनों के लिए तुम घर में ही रहोगी। सुभाष राव सर, बेबी घर में ही रहेंगी। सिक्योरिटी को डबल कर दो, कोई चूक ना हो। चूक और मुझसे? मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया, बाय। नॉनसेंस, मुझे इन हवलदारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं जेल में कैद हूँ। आज तक मैं कभी आजादी से नहीं जी सकी। तुम्हारी लाइफ बेटर है, डैम इट। डॉबरमैन स्पीकिंग, मैं ना घर में है। आयशु, हेलो आयशु। टॉमी, हम लोग ट्रिप पे गोइंग, बीच में कोई टांग? मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे नहीं चल पाऊंगी, डैड ने फिर मना कर दिया। लोचा, डोंट वरी, एक खुफिया प्लान है मेरे पास। ठीक 1 घंटे बाद तुम सब लोग मेरे कंपाउंड वॉल के पीछे आओगे और फिर हम सब वहाँ से गायब। ओए माँ, कितनी कमी नहीं हो तुम। बाजो, बांस की नजर रखनी होगी तुम्हें मैडम पर। कल दूसरी सिक्योरिटी भी हमें ज्वाइन करने वाली है, मतलब डबल सिक्योरिटी पहलवानों। चींटी भी दिखे तो उसे उसी वक्त रोन डालो। इस दीवार से लेकर उस दीवार तक, उस आर से लेकर इस पार तक, यहाँ जो भी हलचल होती है उसकी मुझे पल पल की खबर चाहिए। जब मैं सुबह सोकर उठ जाऊँ तो मैंने चाहे जितनी भी सुनीली क्यों ना हो, ये डॉबरमैन उसकी मीठी बातों में आने वाला नहीं। सुपर रॉक की सिक्योरिटी की चर्चा पूरी सिटी में होनी चाहिए, ये पॉइंट नोट कर लो। सुपर रॉक आए तो ड्यूटी पर रोज आता है खाकर 4 अंडे। क्या प्लान लेडी? नो प्लानिंग नो प्रिपरेशन ओनली ट्रिप। आंखें बंद करके मैं अपनी उंगली जहाँ रखूंगी हम वही चलेंगे। ओके, हटाओ हटाओ। जयपुर। सुभाष राव की सिक्योरिटी से, घर के कैद खाने से आखिर मुझे छुटकारा मिल ही गया। आइए आइए आइए, स्वागत है सर। हाय, आपका स्वागत है, आइए तशरीफ लाइए। अरे गबरू जवान आइए। क्या तुमने मुझे गबरू जवान कहा? बिल्कुल, हीरे की कदर तो जौहर ही जानता है। यार तुम इतनी सारी लड़कियों को लेकर यहाँ मत घूमो, इस शहर में बहुत सारे ठरकिए हैं। टॉमी, हम लोग यहीं खड़े रहेंगे क्या? चलो यहाँ से। नमस्ते मैडम, अपनी A to Z ट्रेवलिंग एजेंसी है। टूरिस्ट की लॉजिंग, बोर्डिंग, साइट सीइंग, गाइडिंग, ये गाइड करता है। और ये रही मेरी वैन। बाय द वे, तुम्हारे नाम क्या है? प्रभु। प्रभु मतलब गॉड। हे प्रभु, आपका नाम क्या है? टॉमी।
टॉमी मतलब डॉग काटता भी टॉमी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में बैठ के बोर हो गई हूँ मैं। हाँ। चलो ना इस पर चलते हैं। सही कहा। बहुत मजा आएगा। वाह! सलमान, वांटेड फिल्म लगी है। टॉमी, मुझे फिल्म देखनी है। यस, विदाउट सिक्योरिटी। ओह, देखो कैसा सो रही है। शायद रात को टीवी ज्यादा देख लिया होगा। बेबी। आयशु, आयशु। बेबी, उठो बेबी। माँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। सुबह रहो, सुबह तुम जब ये देखोगे तो बहुत रोगे। चाचा, बाई बाई। बाप रे, मेरी नौकरी तो संचो गई। डॉबरमैन कॉलिंग, मैं ना पिंजरे से उड़ गई। हाउसफुल मैडम जी, ये दबंग आज आपका बॉडीगार्ड नहीं बनने वाला। रेडी हो जाइए, निकलते हैं यहाँ से। नो वे, सल्लू की फिल्म देखे बिना मैं नहीं जाऊंगी। टॉमी, ब्लैक में टिकट ट्राई करो, चाहे जितने पैसे लगे। टॉमी, बालकनी लेना। मैं चाहती हूँ सलमान जैसा टाइगर मेरी लाइफ में भी आ जाए। बड़ी फिल्मी स्टाइल में इसने एंट्री मारी है। कुछ भी बोलो, झक्कास लग रहा है। क्या यार, मुझे तो ये कोई राजकुमार लगता है। ये किसी रियासत का राजकुमार ना हो मगर सबके दिलों पे राज करता है। ये इस हीरो का सबसे बड़ा फैन है मगर खुद भी किसी हीरो से कम नहीं है। मैं खुद इसका फैन हूँ। अच्छा, डर्टी तो है लेकिन क्या मस्त दाढ़ी है। गाड़ी चाहे कमाल की ना हो मगर दाढ़ी है। धोखा 500 ये टिकट दे दो। धोखा 500 ये लेना क्या? ये बोलना धोखा 500 चलो जो है। धोखा 500 कौन है बेतू? शक्ति। क्या ऊपर है भगवान, पिक्चर में सलमान और तेरे आगे शक्तिमान। ए बावड़िया, तेरा प्रॉब्लम क्या है? अरे यार, प्रॉब्लम तो बहुत है। जिस देश में गंगा बहती है उस देश में पानी नहीं है। जिस थिएटर में पिक्चर है उसके टिकट्स नहीं है। अगर ब्लैक में टिकट है तो खरीदने के लिए पैसे नहीं है। चलो यार, अगर ब्लैक में टिकट खरीद भी लिया फिर उसके बाद तेरे जैसे नीच कमीने कुत्ते लुच्चे लफंगे और लोफर के बच्चे के साथ लड़ने के लिए, न्याय को अन्याय से, धर्म को अधर्म से बचाने के लिए भगवान एक ही आदमी को चुना है। बोले तो अपोन। तालियां। क्या डायलॉग मार रहे हैं? फिर बज गई घंटी। चलो यार जल्दी खत्म करते हैं, पिक्चर देखनी है मुझे। Ah!
अकेला दबंग बाकी सब खत्म। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो उन्हें ऊपर पहुंचा देता। तुम्हें तो ऐसा धोया जैसे कि पैसे निकाल। क्या पोकट की तारीफ छोड़ और माल रख, हाथ में पैसा। मैं पहले से ही ऐसा। पैसा? लेकिन सर मैंने टिकट के पैसे तो दे दिए। बे टिकट का रेट नहीं है, फाइट का रेट है। 1000 रुपया एक खोपड़ी का, 10 के हुए 10,000। ए, मैंने फाइट करने के लिए बोला था क्या? ये लो क्लास के लोग हमारी शराफत का फायदा उठाते हैं। तुम्हारी इस नाजुक कली को उन गुंडों से बचाया है। वांटेड देखने के लिए रेडी हो गए? नहीं। आई हेट यू। थैंक यू। टॉमी। हाँ चलो चलें। दे दो इसको पैसे। ये लो। यहाँ मिले आगे मत मिलना। सफर तो अभी शुरू हुआ है।